नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांत टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन सभी ITI स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं जिनका ITI एडमिशन 2018 या फिर ITI एडमिशन सेशन 2019 था। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, ITI स्टूडेंट्स 2018 सेशन वाले स्टूडेंट्स का सेकेंड ईयर का एग्जाम और 2019 सेशन वालों का फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगा था, मतलब उनका ऑनलाइन एग्जाम लगा था, CBT एग्जाम लगा था। तो दोस्तों, वो जो CBT एग्जाम लगा था उसी को लेकर जो है एक खुशखबरी में लेकर आया हूं। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग फरवरी मार्च के अंदर जो है फरवरी मार्च 2021 में ITI स्टूडेंट्स का CBT एग्जाम हुआ था। उस CBT एग्जाम होने के बाद में मई जून के अंदर जो है उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी हुआ था। रिजल्ट जारी होने के बाद में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, रिजल्ट को लेकर जो है सस्पेंस था। उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमने पेपर काफी अच्छे से किया था, लेकिन उनका जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो हमें उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। तो दोस्तों, उसी रिजल्ट को लेकर जो है DGT की तरफ से आप सभी ITI स्टूडेंट्स का जिनका CBT एग्जाम लगा था उनकी आंसर की जो है वो जारी कर दी है। ITI CBT एग्जाम 2021, आप सभी को पता होगा फरवरी मार्च में लगभग एग्जाम लगे थे और आंसर की जो है उन सभी CBT एग्जाम्स की, प्रत्येक ग्रेड जिस भी स्टूडेंट्स ने CBT एग्जाम दिया था उसकी आंसर की जारी हो चुकी है। तो आप लोग दोस्तों DGT की वेबसाइट पे जाइए और वहां से जो आपके रोल नंबर, आपका नाम वगैरह, आपकी ब्रांच आपसे मांगेंगे और आप लोग वहां से जो है आप लोगों के आंसर शीट दे सकते हो। आंसर शीट से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर का क्वेश्चन, जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो कौन से का सही था या फिर कौन से का गलत था। तो आपका जो भी कंफ्यूजन है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ ये जो डिसीजन लिया है DGT वालों ने, आंसर की जो जारी की है, इसके लिए DGT वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और अच्छे अच्छे डिसीजन जो है DGT वाले लेते रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेनली ये इन्फॉर्म करने वाला था कि जो ऑनलाइन एग्जाम था उसका आंसर की आप लोगों का जारी हो गया है। आप सभी लोग DGT की वेबसाइट पे जाइए और आंसर शीट को चेक कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।